Hello students, welcome to SchoolZ, India's first online school. Today we are going to discuss about integers. Chapter number 1st, 7th class ke mathematics ka. Bachcho, first chapter hai integers, iske baare mein hume padhna hai. Purnank, Hindi medium wale bachche dhyan dein, inko purnank kehte hain. Ab integer hote kya hai? Bachpan mein sabse pehle aapne 0 se shuruaat ki hogi. Phir 1 banana sikha hoga, phir 2, phir 3. फिर 4, फिर 5 और ऐसे करके बच्चों आप इन्फिनिटी तक सीखते चले गए, है ना, 100, 200, 300. लेकिन बच्चों 0 से जब आप पीछे आएंगे तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा और ये बहुत पीछे तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक. तो प्यारे बच्चों, इंटीजर्स इन्हीं नंबर्स को कहते हैं. मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? यानी कि 0 के पॉजिटिव साइड +1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां तक आप काउंट कर सके. तो इन सभी नंबर्स को हम कंबाइंड फॉर्म में इंटीजर्स कहते हैं. जीरो से इस तरफ जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और इस तरफ वाले सारे के सारे नेगेटिव. तो बच्चों इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. कितना आसान है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. अब बीच में बच्चों जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इज जीरो. ठीक, एक बात तो आपको ये समझनी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं. दूसरी चीज मैं आपसे अगर एक पूछूं कि 5.6 क्या ये एक इंटीजर है? 7/3 क्या ये एक इंटीजर है? 5/10 क्या ये एक इंटीजर है? तो इन सब का जवाब है बच्चों ये इंटीजर्स नहीं है. ये सारे के सारे क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर है. फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं, अटे बटे की संख्याएं, जिसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको दी कोई चीज दी होती है. पी का मतलब होता है नोमिनेटर और क्यू का मतलब होता है डिनोमिनेटर. इनको अंश और हर भी बोल देते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ध्यान दें बच्चों. नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स नहीं. अब इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बहुत सारे ऑपरेशंस समझने हैं कि इंटीजर्स पर कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं. इंटीजर्स पे बच्चों बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं. जैसे अगर मैं कहूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम कैसे करेंगे? जैसे मैं अगर आपको दे दूं -4 + -5, एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन मैं अगर आपको दे दूं 4 + 5, एक और मैं आपको दे देता हूं -4 + 5. तो इनमें थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हैं. इनको दो तरीके से कर सकते हैं. पहले सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5. दिस साइड दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5. ठीक है, अब इनको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से. सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको लाइन पर शो करके दिखा रहा हूं, क्योंकि लाइन हमारे थोड़ी और लंबी खींचनी पड़ेगी, स्पेस कम है. 1 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दोबारा मैं करवा दूंगा. पहले क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे -4 + 5. अब ये रहा -4, इसके साथ कितना प्लस है? +5. तो आपको +5 की तरफ, यानी कि प्लस की तरफ चलना है. कितना चलना है? 5 इंटीजर्स तक चलना है. चलिए चलते हैं 1, 2, 3, 4 और 5. कहां पहुंच जाएंगे आप? -1 पे. तो -4 और +1 की वैल्यू क्या आएगी? 1. या यूं समझ लीजिए, आपने किसी से 4 रुपए लिए थे, फिर आपने उसको 5 रुपए दे दिए, तो अब आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 1. ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4, तो भी सही है, एक ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं. यहां देखिए, आपके लिए एक और लाइन में डिजाइन कर देता हूं, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. अगेन दिस साइड बोलिए -1, -2, -3, -4, -5, -6,
माइनस सेवन, माइनस एट और माइनस नाइन। तो ये पूरी एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बच्चों। माइनस फोर आपका कहाँ है, नंबर लाइन पर ही रहा, और आगे क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कितना प्लस करना है, माइनस फाइव, यानी कि माइनस फोर से आगे आपको और माइनस फाइव इंटीजर तक और जाना है। तो पांच इंटीजर चलिए काउंट करते हैं, दिस इज वन टू थ्री फोर और फाइव, लास्ट में आप कहां पे जाके पहुंचे, माइनस नाइन। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब माइनस माइनस के दो नंबर अगर आप प्लस कर रहे हैं तो वो होंगे प्लस ही, लेकिन सिंबल आपका माइनस का आएगा। किसी से आपने बच्चों चार रुपए लिए थे, पांच रुपए आपने फिर और उससे मांग लिए, तो अब आपको कितने रुपए देने हैं, माइनस फोर प्लस माइनस फाइव। पहले चार रुपए लिए थे, अब पांच और ले लिए, तो कितने पैसे आपको देने हैं, माइनस नाइन, यानी कि नौ रुपए आप अभी भी माइनस में हैं। इज दैट क्लियर? तो एक तरीका तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने का बड़ा आसान है, आप लाइन के ऊपर ड्रॉ करके ये सीख समझ सकते हैं, शुरुआत के लिए समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप फटाफट से इनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इधर देखिए, आपके लिए मैं कुछ लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 20 माइनस 10, ऑफकोर्स इसका आंसर 10 ही आएगा। इसी चीज को क्या अगर ऐसे लिख दूं तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो भी 10 ही रहेगा। और अगर इसी चीज को ऐसे लिख दूं तो क्या होगा, तो क्या आपका आंसर चेंज होगा? देखिए, माइनस 10 माइनस 20, ये बच्चों हैं तो दोनों माइनस में, लेकिन ये एक्चुअल में इन दोनों नंबर्स का एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 10 और 20 को अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 30। अब क्योंकि बच्चों दोनों नंबर माइनस है तो यहां पे कौन सा सिंबल आ जाएगा, माइनस का। इसी चीज को नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, 10 तक आप नंबर ड्रॉ करिए, 10 से फिर 20 इंटीजर्स तक आगे जाएं। ये जो तरीका है ये छोटे नंबर्स में आपके लिए कामकार है। अब मान लीजिए यहां जैसे 10 आ गया, तो क्या 10 तक आप ड्रॉ करेंगे, फिर 20 को प्लस करना, क्या आप 30 तक जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये वाला सिस्टम समझ सकते हैं। प्रैक्टिस आपको ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो इंटीजर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी हमने सीखा, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जो भी हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सीखने से अगर आपको लगता है हमने सिखा दिया और आपको लगता है कि हमें आ गया, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, स्कूलजी प्लेटफॉर्म आपके लिए और भी इन चीजों को आसान करता चला जाएगा। अभी देखेंगे 1.1 में, चलिए पढ़ते हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जेंटलमैन, एक्सरसाइज 1.1, इंटीजर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। डिग्री सेल्सियस में आपको पांच अलग अलग जगहों को एक नंबर लाइन पे शो किया गया है और उनका टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को फर्स्ट के ए पार्ट पे जाने से पहले यहाँ देखिए टेम्परेचर है 0, 5, 10, 15, 20, 25, माइनस फाइव माइनस 10, इंटीजर्स हैं, बिल्कुल सही, पांच पांच का गैप है। पांच प्लेसेस है बच्चों, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, श्रीनगर ऑफकोर्स आपका यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर में है, शिमला हिमाचल प्रदेश के कैपिटल, ऊटी इज इन तमिलनाडु एंड बेंगलुरु इज इन कर्नाटका। तो देर आर फाइव डिफरेंट प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है और बताना है अलग अलग जगहों का टेम्परेचर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है, तो बच्चों ये 20 है, 21, 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हुआ, 22 डिग्री सेल्सियस, कितना आसान है। ऊटी का टेम्परेचर 15 से एक जस्ट पहले है, 14 डिग्री सेल्सियस, नो इश्यू। शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, देखिए 5 इंटीजर पे शिमला लिखा हुआ है तो 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू श्रीनगर, 0 से 2 पॉइंट पीछे, दिस इज माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब लाहौल स्पीति 5, 6, 7, 8, लाहौल स्पीति का कितना टेम्परेचर है, माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस तरीके से इंटीजर्स का इस्तेमाल करके आपको
फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का इस तरीके से आपको आंसर निकालना है. सेकंड है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. पूछा गया है आपसे कि इनमें बी पार्ट है, सबसे हॉटेस्ट जो प्लेस है उसका टेम्परेचर और जो कोल्डेस्ट प्लेस है उन दोनों में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है. तो हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर बच्चों 22 डिग्री सेल्सियस, ओके. और लाहौल स्पीति सबसे ठंडा है, इसका टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस. और आपसे पूछा है कि दोनों प्लेसेस में टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है. तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं. 22 डिफरेंस के लिए बच्चों माइनस लगाते हैं, ये -8 ऑलरेडी है, ओके. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा. तो टोटल टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस बिना किसी दिक्कत के. इज दैट क्लियर. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ये देखिए 22 तो आपका ये हो गया, 22 टेम्परेचर में डिफरेंस आपको निकालना है, तो 22 डिग्री का तो सीधा सही हो गया और इसमें -8 और आप पीछे जा रहे हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस का आपका इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना गैप है. नाउ वेयर इज लाहौल स्पीति, ये रहा -8, श्रीनगर इज -2. तो दोनों में आपसे गैप पूछा है कि कितना गैप है, डिफरेंस पूछा है बच्चों. तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही -8 माइनस है ना, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर का -2. और डिफरेंस निकालना है तो बच्चों हम यहाँ माइनस पुट करते हैं, ओके. कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इज -8, अगेन माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2. तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस. इसमें कोई इशू, वैसे भी आप काउंट करके देख लीजिए, -2 पे ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 डिग्री का, सॉरी 6 डिग्री का आपका गैप. दोबारा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके. चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला. ये क्वेश्चन आप खुद करिए. फर्स्ट का डी पार्ट इजी है, स्टेटमेंट में जैसा लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन इन अ क्विज. पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर. एज आई टोल्ड यू बच्चों, स्टेटमेंट को पहले बड़े आराम से ध्यान से पढ़िए. एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. जैसे आपका होता है अगर आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक करते हैं तो पॉजिटिव. अब इसमें कह रहा है कि इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड. ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने 5 टेस्ट दिए हैं बच्चों, एक टेस्ट में आपको मिले हैं 25, सेकंड में मिले हैं -10, थर्ड में मिले हैं -10, फोर्थ में मिले हैं 15 और लास्ट वाले में मिले हैं 10. अब आपसे पूछा है कि तो बताओ टोटल आपके कितने मार्क्स आए, जैक के टोटल मार्क्स 5 राउंड्स में कितने हैं. इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको करके दिखाऊंगा. सबसे पहले करने का बड़ा आसान तरीका, आप इसमें प्लस प्लस इंटीजर्स निकाल लीजिए, 25 भी प्लस है, 15 भी प्लस है, 10 भी प्लस है. इनको आप सम, इनका सम निकाल लीजिए, है ना. तो इनका सम कितना आएगा बच्चों, 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब आप नेगेटिव वाले उठाइए, नेगेटिव के जो इंटीजर्स हैं उनको उठाइए, -5 प्लस -10. अब मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस के दो नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस. अब आपको टोटल मार्क्स पूछा है तो टोटल मार्क्स कैसे होंगे, प्लस में से माइनस आप माइनस कर दीजिए, आपके टोटल मार्क्स निकलाएंगे 35. कोई दिक्कत नहीं. ये है मेथड नंबर 1. नाउ कम टू मेथड नंबर 2. बेटा इसमें एक बात ध्यान से समझना,
-5 और -10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -15 आएगा। और ध्यान से देखिए, एक इंटीजर आपका 15 भी दिया हुआ है, तो -15 से +15 आप कट कर सकते हैं। किसी से आपने ₹15 लिए थे, ले अगर आप ऐसे लेंगे तो आपके ऊपर माइनस का सिंबल आ जाता है, ओके। और आपने किसी को ₹15 वापस कर दिए, तो कितने देने हैं आप अब उसको? कुछ नहीं, जीरो। तो -15 और +15, ये दोनों कैंसिल, जीरो आ जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है, ये तीनों नंबर आपके कैंसिल हो गए, -5, -10 और 15। अब बचा कौन सा? 25 और 10। अब आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, 25 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 35। ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको भी करवा देता हूं, 5 और 6 ये आप खुद करेंगे, 4 नंबर मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये आपका सी है, यहां कहीं आपका एक प्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, ये एक प्लेन है, ये फ्लाई कर रहा है सी लेवल से कितने हाइट पे? 5000 मीटर पे। फिर कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। अब सबमरीन बच्चों समुद्र के अंदर होती है, ऐसे होती है सबमरीन, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, पानी के अंदर चलती है। तो सबमरीन है सी के कितने अंदर है? 1200 मीटर की डेप्थ पे एक सबमरीन है, ओके। आपको कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? बच्चों वर्टिकल का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए, वर्टिकल का मतलब होता है ये, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, आप इसको जीरो मान लीजिए, है ना। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए मैं ऐसे भी बना देता हूं, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 5000 मीटर्स। अब ये इधर है 1200 मीटर्स, तो जीरो से बेटा राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये ऑफकोर्स कितना है? -1200 मीटर्स, ओके। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालना है देखिए, चलिए डिफरेंस के लिए माइनस लगा देंगे यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे 1200 मीटर्स हमें दिया हुआ है, तो ये 1200 मीटर्स कैसा है? माइनस में। तो दोनों को क्या करेंगे सीधा? 5000 प्लस 1200, टोटल आंसर 6200 मीटर्स। एक तरीका ये है, सीधा भी आप निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक के कितनी इनके बीच में गैप है, तो 5000 मीटर ये है, 1200 मीटर ये, दोनों को प्लस कर दीजिए, 6200 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th और 3rd ये आप खुद करेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th, इनमें से बच्चों एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सारे नहीं करवाऊंगा, बाकी आप खुद करें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो बॉक्स दिए गए हैं आपके मैथ्स की बुक में, देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों में आपको बताना है मैजिक बॉक्स कौन सा है। अब मैजिक बॉक्स किसको कहेंगे है, ये कह रहा है इन अ मैजिक बॉक्स, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रॉ कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम। अब सवाल ये है कि रॉ कॉलम और डायगनल क्या होता है? रॉ लाइन को बोलते हैं, कॉलम और डायगनल, पहले ये तीन चीज समझिए। रॉ ऐसे होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, कॉलम वर्टिकल होता है, जैसे हम घरों में घर बनाते हैं जब तो कॉलम देते हैं ना, ऐसे बीम, कॉलम को बीम भी बोल देते हैं, डायगनल आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो अब मैजिक बॉक्स कब कहेंगे कि ये मैजिक बॉक्स है? जब इसकी हर एक रॉ और हर एक कॉलम का और डायगनल का सम सेम होगा तब ये एक मैजिक बॉक्स है। तो इसमें पहले रॉ कितनी है? 1, 2, 3, रॉ कितनी है बच्चों? 3। कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 3 कॉलम है। डायगनल कितने हैं? एक तो आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, तो डायगनल कितने हैं बच्चों? 2। बेसिक क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। फर्स्ट रॉ का आप
निकालिए, 5 - 1 - 4। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0, -1 - 4 - 5। अब 5 में से -5 करेंगे तो 0 आएगी। सेकंड रो, -5 - 2 + 7, फिर से 0 आ गया। थर्ड रो, 0 + 3 - 3, फिर से 0 आ गया। तो तीनों रो का जो सम है वो 0 आया। अब देखते हैं बच्चों कॉलम का। फर्स्ट कॉलम ऐसे 5 - 5 + 0, 0 आंसर आ गया। सेकंड कॉलम -1 - 2 + 3, फिर से 0 आ गया। लगता है शायद यही मैजिक है, मैजिक स्क्वायर है, लेकिन बच्चों अभी रुक जाइए, थोड़ा डायगोनल बचे हुए हैं। -4 + 7 - 3, फिर से 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि -4 - 3 - 7 और -7 + 7 0। डायगोनल देखते हैं, फर्स्ट डायगोनल में बच्चों ये रहा, ये फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड डायगोनल है। तो फर्स्ट डायगोनल में कौन कौन से हैं नंबर, 5 - 2 - 3, इसका भी 0 आ गया। सेकंड डायगोनल में कौन कौन से हैं, -4 - 2 + 0, -6 आ गया। तो बच्चों मैजिक स्क्वायर बॉक्स होने की कंडीशन क्या थी कि जितने भी रो हैं, जितने भी कॉलम हैं, जितने भी डायगोनल हैं, यानी कि रॉ, डायगोनल्स और कॉलम, तीनों की अगर वैल्यू सेम है तो ही ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स है। अब रॉ की सबकी वैल्यू 0 है, कॉलम की 0 है, लेकिन डायगोनल में बच्चों एक डायगोनल ऐसा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, -6 है। तो क्या ये मैजिक बॉक्स है? आंसर इज बड़े वाला नो। तो सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट जो बॉक्स है, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स। सेकंड वाला ये देखिए, सेकंड वाला 1 - 10 - 0 - 4 - 3 - 2 - 6 - 4 - 7, खुद से करिए, आराम से हो जाएगा। बेसिक्स मैंने बता दिया, रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। बच्चों जितने डिटेल में स्कूल जी के ट्यूटर्स आपको बताते हैं वो मेरे ख्याल से आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हिंदी में भी बता रहे हैं हम आपको, इंग्लिश में भी बता रहे हैं। तो स्कूल जी प्लेटफॉर्म का आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए और अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, वेरीफाई a - (b) = a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b की आपको अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं और उनको आपको इस इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं तो ये वेरीफाइड है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं। a की वैल्यू बच्चों 21 है और b की वैल्यू 18 है, चलिए करके देखते हैं। इसमें आप a की वैल्यू रखिए 21, b की वैल्यू रखिए 18। ओके, 21 + 18, अब ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 21 - 18, इधर भी यही रहेगा, तो दोनों साइड सेम नंबर है, सेम आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो ये आपका वेरीफाइड। तो ऐसे आपको कोई भी वैल्यू दी हुई हो आप इसमें इक्वेशन में पुट करके आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है कि नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, यूज द साइन ऑफ, ये साइंस आपको इस्तेमाल करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, इसका मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर बी कर रहा हूं। इधर दिया हुआ बच्चों -3 + 7 - 19, बीच में आपका बॉक्स है, और इधर आपको वैल्यू दी हुई है 15 - 8 + (-9), ये वैल्यूज है। इनको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए दिस इज -3 + 7 - 19। ठीक है, इस इक्वेशन की दो साइड से, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 19 है, माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा -22।
और ये प्लस 7, तो यहां से सॉल्व करके माइनस 22 प्लस 7 कितना आ गया, माइनस 15। बहुत सही, इसको कर लेते हैं, 15 माइनस 8 प्लस और माइनस, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमेशा माइनस आएगा। दोबारा सुनिए, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्टेंट में आपका माइनस ही रहेगा, माइनस। ओके, अब इसमें बेटा माइनस 8 और माइनस 9, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो, माइनस 8 और माइनस 9, माइनस 17। ओके, सो 15 माइनस 17 कितना आ गया, माइनस 2। तो बच्चों इधर आपका माइनस 15 है, इधर आपका माइनस 2 है। तो अब आप एक ध्यान से बताओ, माइनस 15 और माइनस 2 दोनों में से बड़ा कौन है, बताइए। माइनस का बेटा जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। आप जिससे जितने ज्यादा पैसे उधार लेंगे आप उतने ही माइनस में जाते जाएंगे, अभी बात समझ रहे हैं। तो बड़ा कौन है इसमें, माइनस 2, दिस इज योर आंसर। जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, अपोजिट साइड में छोटा नंबर होता है। तो ऐसे आपको नाइन्थ क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको करना है, ए बी सी डी ई, बी मैंने आपके लिए कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th है, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी दे रखी है, डराने के लिए है, कुछ नहीं, मंकी वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th की मैथमेटिक्स की, इंटीजर्स की, आपकी यहाँ फिनिश। सो अगली क्लास में हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करूंगा, फिर 1.2 पे चलूंगा। सो स्कूलजी पे आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और औरों को भी बताते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे।